दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे, अगर आप एक लेबर कार्ड धारक हो और आप दोस्तों अपनी लड़की की शादी करते हो तो यहाँ पर आपको दोस्तों सरकार की तरफ से 55 से 1,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। तो इस वीडियोस में हमको पूरा तरीका बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब तो उनका कहना है कि हम जैसे लड़की की शादी करें उससे पहले अप्लाई करें तब मुझे यहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी लाभ दिया जाएगा, या फिर मतलब शादी के बाद अगर मतलब अप्लाई करते हैं तब लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है। इस वीडियोज़ में हम आपको पूरा तरीका बताने वाले हैं इसकी पात्रता क्या है, इसमें आपको लाभ कैसे मिलता है, शादी से पहले मिलेगा फिर शादी के बाद भी मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें, वो भी बिना स्किप के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल या लैपटॉप का किसी गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा BOCW। उसके बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो दो ऑप्शन आपको लगाने, जैसे बिहार से बिलोंग करते हो तो BR, हिमाचल से बिलोंग करते हो तो HP, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे DL, इसी प्रकार से अगर आप UP से बिलोंग करते हो तो UP, जैसे मैं जैसे मान लो BOCW UP लगा देते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पहला लिंक मिलेगा आपको वेबसाइट का, आपकी स्टेट का, तो उसी पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों अपनी जो भी लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाओगे। और दोस्तों हर स्टेट में सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है लेबर कार्ड के तहत, जो आप शादी के लिए लाभ ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले योजना का एक बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा इस प्रकार आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समस्त योजना पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो भी दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से योजना लेबर कार्ड में चलाई जा रही है सारी योजना आ जाएंगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए स्क्रॉल करोगे तो नीचे ऑप्शन यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, देखिए दोस्तों कन्या विवाह योजना, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे के लिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल समझाते हैं जो खुद आप पढ़ के समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इसकी पात्रता क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपका लेबर कार्ड बनाना चाहिए, वो भी 365 दिन जो भी है दोस्तों उसका पूर्ण हो चुका है, 365 दिन से पुराना होना चाहिए, जब भी आपको लाभ इसमें शादी के लिए ले पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जब आप अप्लाई करोगे तो इसकी क्या है डिटेल देखिए। देखिए दोस्तों जो भी लाभ है 2 संतानों के समेत है, यानी दोस्तों 2 संतानों पर यहाँ पर आपको लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आप अप्लाई जो भी दोस्तों जो आप लड़की की शादी करोगे जो उनकी एज यहाँ पे 18 से 21 वर्ष लगभग होनी चाहिए, जब यहाँ पे दोस्तों लाभ मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ आप डिटेल को पूरा पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो यहाँ पे मेन मेन डिटेल आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई क्या यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या पात्रता है, वो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे अभी मैं आपको बता भी दूंगा। यहाँ पे दोस्तों लाभ आपको शादी से पहले ले सकते हो या शादी बाद ले सकते हो। देखिए इसमें दोस्तों 55 से 61 हज़ार रुपये का लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो भी यहाँ पे मतलब OBC में आते हैं उन्हें 55 हज़ार का लाभ दिया जाता है, जो SC में आते हैं उन्हें 61 हज़ार रुपये का लाभ दिया जाता है, जो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। और भी अलग लाभ मिलता है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा विवाह संबंध होने के 1 वर्ष के भीतर सामूहिक विवाह विधि के स्थिति में 15 दिन पूर्ण आवेदन का प्रावधान किया गया है। हितलब सिर्मी की पुत्री का आधार जो भी प्रकरण अनिवार्य है। तो कहने का दोस्तों मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब आपकी लड़की की शादी करोगे, जब शादी फिक्स हो जाती है, जब दोस्तों यहाँ से आप 1 मंथ से पहले अप्लाई कर सकते हो, 15-20 दिन तो पहले अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जब लड़की की शादी फिक्स हो जाए जब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद जब तक शादी होगी जब तक यहाँ पर दोस्तों आपको शादी अनुदान योजना का लाभ मिल जाएगा, जो आपके लेबर कार्ड में खाता ऐड होगा उसमें मिल जाएगा जब योजना को अप्लाई करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि काफ़ी लोग शादी से पहले अप्लाई नहीं कर पाते जैसे, तो वो क्या शादी बाद अप्लाई कर सकते हैं? जी दोस्तों यहाँ पे शादी बाद कुछ टर्मिनल कंडीशन है जो 1 वर्ष के भीतर आप शादी के लिए अप्लाई यानी शादी के बाद अप्लाई कर सकते हो, शादी अनुदान योजना में लाभ ले सकते हो। 1 वर्ष के भीतर ही आप अप्लाई करें और यहाँ पे लाभ आपको मिल पाएगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जो अप्लाई करोगे जो रसीद निकलेगी, चाहे आप खुद से अप्लाई करो या फिर CSC सेंटर के द्वारा अप्लाई करवाओ, रसीद आपको दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें उनके सारे की फोटो कॉपी करा के उस रसीद को आपको जाके करना पड़ेगा लेबर ऑफिस में जमा। उसके बाद दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, दोस्तों जो भी अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे घर पे आते हैं, पता करते हैं कि आपकी लड़की की शादी है और उसके बाद यहाँ पर आपका इसलिए दोस्तों पात्र होते हैं तो इसमें आपको लाभ मिल पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेबर ऑफिस में डॉक्यूमेंट जरूर जमा करें, जब भी आपको लाभ मिल पाए। काफ़ी लोग तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, उनकी योजना पेंडिंग रहती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, वो लोग अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करते। इसलिए दोस्तों खाली अप्लाई से कोई भी काम नहीं चलेगा, अप्लाई करने के बाद लेबर ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें, अधिकारियों से मिले, कागज को जमा करें, उसके बाद आपको लाभ मिल पाएगा। तो आप शादी से पहले भी लाभ ले सकते हो अपनी लड़की के लिए और शादी के बाद भी ले सकते हो, लेकिन आप शादी से पहले अप्लाई करें तो बेहतर फायदा रहेगा, आपको
सहायता भी हो जाएगी और आपके जो भी दोस्तों लड़की की शादी है वो भी हो जाएगी और आपको कुछ राशि भी मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, चाहे तो आप डाटली यहाँ से मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करके डाटली योजना को अप्लाई कर सकते हो या फिर अपने आसपास के क्षेत्र सेंटर पर जाकर अप्लाई करवा भी सकते हो। देखिए अभी मुख्य पृष्ठ पर क्लिक किया हूँ, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपसे मिल जाता है योजना आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करोगे पेज इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ से सबसे पहले अपने मंडल का नाम को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से आपको दोस्तों योजना का नाम को सिलेक्ट करना पड़ता है, भाई यहाँ पे दोस्तों कन्या विवाह योजना, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर डालकर OTP आएगा, OTP डालकर यहाँ से फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आप अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम में दिक्कत आती है फिर आपको और भी कुछ पूछ जांच करना है तो कमेंट में दोस्तों जरूर करना, तुम्हारा भाई यहाँ पर रिप्लाई करने की जल्दी कॉल करेगा। दोस्तों जो भी प्रॉपरली आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक ले थैंक यू सो मच।